टुडे हमारा जो लेक्चर है लेक्चर 3। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है इस अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये कस्टम्स और ट्रेडिशन, ठीक है, ये क्या होते हैं, कस्टम और ट्रेडिशन विच गाइड द अकाउंटेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो दीज आर द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विच आर फॉलोइंग बाई द अकाउंटेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स, टोटल 4 इन नंबर्स हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ठीक है, इसमें क्या है कि हम हर जो फाइनेंशियल्स हर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिस्क्लोज करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, क्योंकि डिस्क्लोजर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं ना, इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है, तो उनके लिए ये डिस्क्लोजर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि के जैसे कि ना, अगर कोई बंदा किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या करता है, सबसे पहले वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, उसी के बेस पे वो डिसीजन लेता है कि आया वो उस कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ठीक है, तो हर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या करेगा, वो शेयर होल्डर्स के लिए वो पब्लिश करेगा इसमें, अपने जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट ये अकाउंट्स होते हैं ना उसी में, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कंपनी ऑपरेशंस। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, कंपनी के ऑपरेशंस में। तो कंपनी कौन रन करता है, कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स रन करता है। ठीक है, डायरेक्टर्स जो क्या कौन होते हैं, वो एजेंट ऑफ द कंपनी होते हैं। ठीक है, दे आर द एजेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, सॉरी, दे आर द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये डायरेक्टर्स जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, उसको कौन देखते हैं, फिर शेयर होल्डर्स के लिए बनाते हैं। ठीक है, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चले कि हमारा कंपनी जो है वो ठीक तरीके से रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए तो ये डायरेक्टर्स जो है अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त हर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना उसको क्या करें, उसको डिस्क्लोज करें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ द डिस्क्लोजर। ठीक है, अच्छा, सेकंड जो है इसमें वो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, इस कन्वेंशन का क्या मतलब है कि ये मटेरियल लफ्ज जो है हमने पहले भी पढ़ा था कि मटेरियल मींस के जो इम्पोर्टेंट हो, जो मटेरियल हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं मटेरियलिटी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अकाउंटेंट जो होता है ना हर मटेरियल इन्फॉर्मेशन को, मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसको वो रिकॉर्ड करें किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करें। तो इसका ये मतलब है कि अगर अकाउंटेंट हर जो है इमटेरियल जो है एक्टिविटीज़ को वो क्या करें, वो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना चाहे तो फिर क्या होगा, जो मेन जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं ना वो रह जाएंगे, क्योंकि फिर तो हज़ारों लाखों में ट्रांजैक्शंस होंगे। तो इसलिए कि हर जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है ना वो क्या करें, वो उसको इंक्लूड करें किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है,
तो इसका क्या मतलब है मटेरियल, और जो मटेरियल है ना इसके लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि बस ये क्राइटेरिया हो तो वो मटेरियल होगा। ये जजमेंटल होता है और अकाउंटेंट जो है उसको ऑब्जर्व करता है कि आया दिस इवेंट आर दिस ट्रांजैक्शन इज मटेरियल और नॉट। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो इंडिविजुअली जो है इमटीरियल होते हैं, लेकिन एग्रीगेट में फिर वो क्या बन जाते हैं, वो मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है हमारा कन्वेंशन, थर्ड कन्वेंशन है वो नेक्स्ट जो है वो थर्ड नंबर पे वो क्या है, थर्ड नंबर पे है हमारा वो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहते हैं इसमें, इसमें यह है कि कंसिस्टेंस जो है हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त हम जो रूल यूज़ करें ना उसको कंसिस्टेंटली फिर अप्लाई करें, ईयर टू ईयर जो है सेम हो। ठीक है, सपोज़ ये है कि हम अगर डिप्रिसिएशन सपोज चार्ज कर रहे हैं ना, डिप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो अगर हमने सपोज 2020 में हमने जो है एक एसेट परचेज किया था और जो नॉन करंट एसेट थे उसको हमने क्या किया था, स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमने डिप्रिसिएट किया, तो फिर हम 2021 22 सब में क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करेंगे। तो क्या होगा इसमें, ये है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना उसमें क्या होगा, कंसिस्टेंसी होगी। ठीक है, तो जो एरर्स होंगे ना वो कम होंगे फिर, क्योंकि अगर एक साल हम एक यूज़ करें दूसरा दूसरा, तो उसमें क्या होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना वो क्या होगा, वो मटेरियल उसमें एरर्स आ जाएंगे, तो फिर वो ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, कि अगर हम एक साल एक रूल्स यूज़ करें तो फिर उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, अच्छा लास्ट वन हमारा जो है वो है कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इसको कहते हैं कि इसमें हम कहते हैं कि कॉशन और पॉलिसी ऑफ प्ले सेफ, पॉलिसी ऑफ प्ले सेफ। इस कन्वेंशन को का मतलब ये है कि जब अगर आपका कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला हो, ठीक है, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला हो, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं कि उसको आप जल्दी से जल्दी अभी से रिकॉर्ड करें। ठीक है, और अगर फ्यूचर कोई गेन हो, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, किसी को आपने सू किया है कोर्ट में, ठीक है, और उसकी जो आपका लॉयर है वो आपको कहें कि 90 मतलब कि देयर इज़ ए बिग चांस कि आपका जो 70% एंड अबव जो है ये केस आप जीत जाएंगे। ठीक है, और इसमें काफ़ी जो है रुपीज़ आने वाले हैं, तो ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कह रहे हैं कि आप तब भी आप जो है वो गेन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई लॉस है तो उसको जल्दी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा कन्वेंशन कह रहा है, वो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक सपोज हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, वो IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ठीक है, कि इन्वेंट्री को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV मीन्स के मार्केट वैल्यू। ठीक है, इन दोनों में जो जिसकी वैल्यू कम हो तो हम उस पे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। सपोज अगर ये कॉस्ट हमारा 500 है और जो NRV वो हमारा
550 है, तो इसमें कम कौन है, ये वाला है, तो हम इन्वेंट्री को 500 रुपीज़ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसी फार्मूले के थ्रू, इसी कॉन्सेप्ट, अगर ये जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है उसी के मुताबिक ये फार्मूला जो है, ये वाला, ये भी इसी के बेस पे है। सपोज़ ये है कि अगर हमने एक इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया है, ठीक है, उसको हमने रिकॉर्ड किया है किस पे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। तो इसी कन्वेंशन के मुताबिक जो इन्वेंट्री हम वैल्यू करते हैं इसी फार्मूले के थ्रू, वो भी इसी के बेस करता है। सपोज़ हमारे इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट है 500 और जिसकी मार्केट वैल्यू 550, तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे मार्केट वैल्यू हाई है तब भी हम जो है किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, कि हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे 500 रुपीज़ पे। कि अगर हमारा मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ भी कर रहा है तब भी हम इस पे रिकॉर्ड करें, और अगर ये मार्केट वैल्यू डिक्रीज़ करे, सपोज़ ये 500 है और हमारा जो कॉस्ट वो 450 है, तब भी हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कम पे रिकॉर्ड करेंगे 450 पे, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इसे कहते हैं कि जब आपका कोई लॉस हो तो उसको जल्दी रिकॉर्ड करें, और अगर कोई गेन हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक जब तक वो एक्चुअली रिसीव ना हो, ठीक है। तो इसको पॉलिसी ऑफ प्ले से भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे हम कुछ MCQs अभी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, इस बुक के कुछ, इस चैप्टर को हमने वाइंड अप किया, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़ा, अब इसके कुछ MCQs हैं, तो इसके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। तो ये डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, दो डुअल एस्पेक्ट ऑफ एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस। मनी मेजरमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि हम उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें एक्चुअली मनी इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसको हम उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है हेल्थ ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो हेल्थ ऑफ डायरेक्टर ऑफ द मनी, ये तो नॉट इन मनीटरी टर्म है ना, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, क्वालिटी ऑफ अ कंपनी गुड्स, तो क्वालिटी भी मनीटरी टर्म में नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी क्वालिटी हमारा, ठीक है, एसेट तो है, लेकिन इस तरह नहीं है। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन है, तो ये इन अमाउंट है, तो हमारा आंसर ये है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जिटिज्म टेक इन टू काउंट। अच्छा, ये जो कन्जर्वेटिज्म हमने पढ़ा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड ऑल फ्यूचर लॉसेस, कि फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस भी, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट बट लीव्स ऑल फ्यूचर लॉसेस, नो, ऑल फ्यूचर लॉसेस बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी है, कि ऑल फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड करता है बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट। अच्छा, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, ये पोस्ट पेपर में आया था, तो तभी मैंने यहाँ पे इसको सर्कल किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म विल हैव द इफेक्ट ऑफ, इसका क्या इफेक्ट होगा, अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट, अंडरस्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ओवरस्टेटमेंट ऑफ एसेट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है। अच्छा, रियलाइजेशन कंसेप्ट इम्प्लाइज, रियलाइजेशन कंसेप्ट जानते हो कि हम रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअली रियलाइज हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए, द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, नो, कि ऑर्डर अगर रिसीव हो जाए तो एक्चुअली वो हमारा रेवेन्यू नहीं है तब तक। द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ऑप्शन सी, द रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम द कस्टमर, कि आया कैश रिसीव हो या डिलीवरी। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम गुड को कस्टमर के पास डिस्पैच करेंगे तब हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था हमारा चैप्टर 2, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला जो है लेक्चर होगा वो किस पे होगा, वो अकाउंट्स पे होगा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसको हम लेक्चर 4 कहेंगे, और उससे तकरीबन 2 MCQs जो है वो तकरीबन हर पास पेपर में आए हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पढ़ेंगे अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, फिर उसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो वो बहुत ईजी भी है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें।